ये रहे शंकर भगवान और ये रही इनकी ड्राइंग, सेम टू सेम है, बस फर्क है तो थोड़ा कलर का, क्योंकि ये कलरफुल है और ये स्केच से। तो आपने ये जो टैलेंट है ये कब का है, बचपन से ही है या बस? ये टैलेंट बहुत पुराना है दोस्तों। हाँ, अपने जमाने में बैक बेंचर हुआ करता था और मैं सीट के पीछे बैठता। हाँ, फिर अचानक से टीचर मुझे पढ़ाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। अच्छा। लेकिन मेरे पास पेन या पेंसिल जो भी रहता था। हाँ। से सीट पर ड्राइंग किया करता था। अच्छा। फिर यही सीटों पर गुरते गुरते मैं एक दिन बहुत बड़ा ही स्केच आर्टिस्ट बन गया। हाँ। और अब मैं ड्राइंग बनाने लगा। चलिए, बहुत अच्छी। तो मतलब बैक तो जो बैक बेंचर होते हैं, मतलब वो आपस में उनकी एक अलग की दुनिया होती क्या बैक बेंचर्स के? जो लोग बोलते नहीं कि ये तो बैक बेंचर्स है, बैक बेंचर, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए। बैक बेंचर्स की भी मतलब कुछ अलग से होता है क्या उनका? देखिए, बैक बेंचर्स की दुनिया एकदम अलग होती है। हाँ, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता पहली बात। हाँ, अगर आपको पढ़ना लिखना है तो आप आगे जाइए, फ्रंट सीट पे बैठिए। हाँ, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप पीछे सीट पे बैठिए। हाँ, मारपीट करनी है तो पीछे वाली सीट पे बैठिए। हाँ, खाने पीने के बारे में सोचना है तो पीछे वाली सीट पे बैठिए। अच्छा, ये कहानी होती है पीछे वाली बैक बेंचर्स के। हाँ, लेकिन मैंने अभी हाँ कुछ बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। देखिए, पीछे बैठने वाले बैक बेंचर की लाइफ का स्कोप बहुत बड़ा होता है। हाँ, फ्रंट बेंच पे बैठने वाला क्या बन सकता है? मतलब में काम कर सकता है, आईएएस टीचर बन सकता है। हाँ, लेकिन जो बैक बेंच पे बैठता है उनके माइंड पे लोड ज्यादा होता है। माइंड पे लोड ज्यादा होता है, वो मतलब हर चीज को करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, वो डाकू बनते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बड़े लुटेरे बनते हैं। हाँ, उनके सपने बड़े होते हैं, कहने का मतलब बनते हैं। हाँ, नेता मंत्री बनते हैं, मन में सब कुछ बन जाते हैं, मोकाल बहुत टाइट होता है बैक बेंच का। मतलब एक दिन के अंदर वो कम से कम 15 तरह के ख्वाब देखते हैं, सुबह, उसके बाद में दोपहर, मिड नाइट, इवनिंग, नाइट, मतलब जैसे जैसे पल गुजरते हैं वैसे वैसे इनके थोड़ा माइंड में थॉट है वो गुजरते हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और थोड़ा थोड़ा वो सारा चीज़ करते भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली बैठे रहते हैं, सब कर लेते हैं, सारा सारा थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ करते हैं। हाँ, चलिए कोई नहीं, और बेस्ट ऑफ दी लक इतना अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए। ये और एक इससे पहले भी ड्राइंग बनाया था, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं। ये ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ऐसे मजाक मजाक में बना दिया इसको, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी ये, ठीक है। और अभी जो रियल में बना रहे हैं वो तो आ रही थी। हाँ, ये देखो, ये अगर जो कलरफुल हो जाएगी तो और मजेदार बन जाएगी, और ये सब चीजों में तो खैर हम टाइम वेस्ट ही नहीं करते कभी। हम कभी ड्राइंग बनाने के लिए सोचे तो भी सोचते क्या इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा, और पूछो फोन देख लेंगे, बहुत राजनीति हो जाएगी, मालती चौहान क्या कर रही है, गोरखपुरिया मोदी क्या कर रही है, शिवानी निकली कि नहीं, शिवानी बिग बॉस में क्या कर रही है। हाँ, तो भाई देखो, सोशल मीडिया की बदौलत वो लड़की वहाँ तक पहुँची है, बिग बॉस तक, तो भाई देखना तो पड़ेगा ही, बहुत कुछ मोटिवेशन मिलती है उस लड़की से। हम लगा कह रहे बहुत ज्यादा मोटी है, अपना काम करो, अपना काम देखो, किसी को देखने से ही एक मोटिवेशन मिलता है। खाना बना रहे हैं, हमें खाने मिलेगा ना। अच्छा, तो तुम खाना हाँ ठीक है, दूसरे को बैठे बैठे ऐसे देखते रहे, अरे गजब बना रही है, हमें मिल जाता तो हमें देगी खाने। अच्छा, एक बार बताओ, तुम भी कभी सीखती हो ना कि हलवा कैसे बनाया जाए? नहीं नहीं, कोई भी ज्वेलरी तुमको खरीदनी होती तो पहले तुम देखती हो ये चीज बढ़िया है, इसको मुझे खरीदना है, तो लोग देखते हैं उसको, सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में उससे कुछ सीखते हैं। और मैं कोई चीज सीखता हूँ अगर देखता हूँ तो मैं उसमें टाइम पास नहीं करता हूँ कि भाई ये शिवानी है, इसको देखा बिग बॉस में तो टाइम पास हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं उनको देखता हूँ तो मेरे अंदर एक थॉट आता है कि मैं खुद ऐसा काम करूँ, जैसे अभी बैक बेंचर्स के बारे में
उदाहरण दिया गौरव ने, तो मैं वो बैक बेंचर्स वाला आदमी हूँ, मेरे अंदर वो, मैं वो डिजर्व करता हूँ लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। ये थॉट मेरे अंदर बार बार आता है, क्यों गौरव? ये बात सही कही है तुमने, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत दूर तक जाओगी, आपकी सुख, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और एक दिन आप बहुत देखेंगे, ठीक है। मैं जिसके बारे में बोलता हूँ वो सच बोल होता है, 110% होता है, ठीक है। आपका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं पाएगा, बस थोड़ा समय का आप इंतज़ार कीजिए। बिना समय के और बिना किस्मत के इंसान को कभी कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम जो देखते हैं मोबाइल वगैरह, तो उसमें कुछ सीखते हैं। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल में देख के टाइम ऐसे चिल्लाते रहो आग लग गई बुझो, हाँ नहीं तो देखो, कोई भी यूट्यूबर हो, यूट्यूबर अपना ही वीडियो नहीं बनाता है, वो पहले 10-12 लोगों को सर्च करता है, क्यों करो? देखता है, है? देखता भाई है, सीखता है, देखने से सीखता है, तभी तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसके बराबर होने के लिए। लेकिन इनका कहने का मतलब है ना, तुम बनाओ लेकिन किसी का मत देखो। भैया ऐसा नहीं होता है ना, मोबाइल पे बिना देखे थोड़ी ना कुछ आएगा आपको। अच्छा दिन रात कोई कैसे देखता? 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में 1.5-2 घंटे जिम के निकाल दो, 10 घंटे हो गए, 10 घंटे में से 6 घंटे सोता हूँ वो निकाल दो, लैट्रिन बाथरूम के 1 घंटे निकाल दो, तो मतलब 2-3 घंटे देखता हूँ मैं, 2-3 घंटे देखता हूँ, पूरा दिन कौन देख पाता है? 18 घंटे हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे देखता। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, ये सब चीजें गलत है, ठीक है। चलिए फिलहाल गौरव भी आज हमारी सुदामा जी की कुटिया में पधारे हुए हैं और इनका जो स्वागत है पूरी बारिश के साथ में हुआ है। तो दिल तो नहीं उब रहा है तुम्हारा? दिल उबना नहीं, उबने नहीं देंगे, आप लोग टेंशन मत लिए, हम भरपूर मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे आपका, ताकि आपका दिल ना उबे, ठीक है। गौरव को खाना दो भाई, भूख लगी गौरव को, ठीक है। चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये ब्लॉग एक बहस का था, एक चर्चा का था, एक उदाहरण का था। बना दिया बेटा बहुत अच्छा बनाया, अब इनका फोटो मैं वॉलपेपर पे ही लगाऊंगा फ्रंट पे, ठीक है, बढ़िया से। चलो ठीक है, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।